हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आयतन आयत इंटरप्राइजेस में। मेरा नाम है फई मंसारी, मैं अभी भारत नगर में हूँ और मैं यहाँ पे पोजीशन देने आया हूँ साहबुद्दीन भाई का, साहबुद्दीन मलिक जी का पोजीशन देने आया हूँ। इन्होंने रूम के अंदर सामान पूरा डाल दिया है, लेकिन फिर भी हम लोग जो है इनके रूम का वीडियो बनाएंगे और इसके रूम के अंदर जो है क्या क्या इन्होंने करवा के लिया है कम्प्लीट, इनके रूम को दिखाएंगे। इन्होंने पूरा रूम का सामान सब सेट किया, आइए रूम के अंदर देखते हैं। बाहर ढोरपुरी लगाना खाली बाकी है, बाकी टोटल काम हमारा हो चुका है। ये रूम है इनका, ये टोटल 300 स्क्वायर फीट का रूम है। अभी काफ़ी लोगों को लगता है ना कि सामान रखने का कितना स्पेस होगा, तो अब अपना अंदाज़ा लगा लीजिए कि इस रूम के अंदर जो इन्होंने सामान रखा है तो कैसा लगेगा। ये हाफ टाइल्स पूरी लगा करके यहाँ पे फ्रिज इन्होंने हॉल में रखा हुआ है, हाफ टाइल्स है, और ये फिश टैंक वगैरह भी इन्होंने लगाया है। ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है फिश टैंक, यहाँ पे भी पूरी यहाँ पे मच्छी वगैरह भी डाला है। बच्चों का फैशन है ये, डैडी और बेटे का। तो यहाँ पे होल्डर और ऊपर पीवीसी सीट, पीवीसी सीट में एक ही लाइट लगी हुई है, दूसरी मतलब दो लाइट लगी हुई है ऊपर, पीवीसी सीट है टोटल कंप्लीट। इस तरीके से हम लोग काम करके देते हैं, फ्रेम वगैरह ये कलर वगैरह सारी चॉइस जो है हमारे साहबुद्दीन भाई की थी। तो यहाँ पे अभी हम लोग जो है चलते हैं ये किचन के अंदर। किचन के अंदर भी आपको स्पेस देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहला किचन में जाने से पहला हम लोग बेडरूम में जाएंगे, बेडरूम का स्पेस आपको देखने मिलेगा। ये टोटल 10x10 का बेड है, बेडरूम है, और यहाँ पे बेड भी रखा हुआ है, और कितना अच्छा स्पेस मिल रहा है। यानी पहली बार मैं वीडियो बना रहा हूँ किसी के रूम का सामान रखने के बाद में, ये पहली बार रूम का वीडियो बन रहा है ऐसा किसी का सामान रखने के बाद में। तो आप लोगों के पास भी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ऐसा घर मिल सकता है, आप हर महीने की EMI पे रूम ले सकते हैं। काफ़ी अच्छा है ये, हम लोग रूम जैसा आप लोग देख रहे हो वैसा ही काम करवा के देते हैं। अभी ये जैसे आप देख रहे हो सामने किचन है, ये किचन के अंदर जाके देख सकते हैं। और हमारी यहाँ पे आयत एंड आयत इंटरप्राइजेस के नाम की टाकी लगी है, 5 साल वारंटी गारंटी के साथ में, 1000 लीटर की पानी की टाकी लगी हुई है हमारी कंपनी के नाम के साथ में। यहाँ पे काफ़ी बड़ा हॉल इन्होंने रखवाया है इस तरीके से, टॉयलेट बाथरूम वगैरह इन्होंने कॉमन रखवाया था। और अभी इस वक्त उनकी फैमिली है, हम लोग इनकी फैमिली से बात करेंगे। साहबुद्दीन भाई का रूम है, रहते हैं, बट लेकिन उनका ये इंटरव्यू होने वाला है, उनके घर वाले का उनके लिए सरप्राइज़ है। तो जैसे मैंने आपको ये रूम दिखाया, ये 1BHK का रूम है 300 स्क्वायर फीट का, ये साहबुद्दीन भाई का रूम है। हम लोग ने ये रूम जैसा हर कस्टमर को रहता है वैसा ही बना करके दिया। इनकी वाइफ है, बात करेंगे इनकी वाइफ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत भाभी जी? भाभी तो ये मुझे बताइए कि ये रूम लेने से पहले आप लोग ये साइट विजिट किए थे? जी आए, आके देखे गए थे। तो कब से आप लोग ने कहाँ देखे थे, हमारे बारे में कौन बताया था आपको? थोड़ा सा माइक। बहुत जगह पे देखे थे, मतलब मैक्सिमम 5-6 महीना तक हमने घूमे। अच्छा। फोन पे भी सर्च करे, फेसबुक पे जो आता है सब बहुत सर्च करे, फिर करते करते आप आए। अच्छा, आपको आपका सब कुछ आया है? कौन देखा वीडियो सबसे पहला? पहले मेरे हस्बैंड देखे, हस्बैंड ने वीडियो देखे। हस्बैंड देखे, देखने के बाद घर पे सब बैठ के बात करे, फिर मेरा भाई और हस्बैंड दोनों मिल के आए थे। अच्छा, आपके भाई भी आके गए यहाँ पे? जी जी। आपकी फैमिली को भी मालूम है यहाँ पे घर लिया हुआ है? नहीं है, मैं मालूम है सबको, सब देख के गए, सबको। अच्छा। बहुत पसंद आया, और मेरे रिलेटिव सब आएंगे यहीं पर, आपके यहीं पर लेने के लिए। अच्छा, अच्छा। मेरे थ्रू सब लोग आ रहे हैं। तो ये रूम के अंदर अभी इस वक्त कहाँ रहते थे, सबसे पहला कहाँ रहते थे आप? फर्स्ट मैम पहले मुंबई में एकदम मेन सिटी में थी, उसके बाद उधर थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, छोटा घर था, फिर मुमरा में शिफ्ट हुई थी। अच्छा। मुमरा के बाद मुझे मैंने बोला मुझे अपना खुद का घर चाहिए। मुमरा में कितने मतलब रेंट पे कितने साल से आप रेंट पे नहीं थे? नहीं रेंट पे थी। कितने साल से रेंट से? मैं तो 7 साल हुए हूँ बाहर से, बाहर ही घूम रही हूँ ऐसे रेंट पे। अच्छा, इधर कितने रूम चेंज किए होंगे? बहुत सारे चेंज, मतलब गिनती के हिसाब से बाहर। अरे बाप, तंग आ गई हूँ। तंग आ गए थे बोलो? जी जी, मतलब वही भाड़े के रूम से डिपॉजिट ये वो, फिर छोड़ने के टाइम बहुत मच इस तंग, बिल्कुल तंग हो गया। अभी तो फिर आपके हस्बैंड ने आपको वीडियो दिखाए तो आपको क्या लगा कि लेना चाहिए घर, लेना चाहिए? नहीं, मुझे कहीं पर भी हो मुझे चाहिए, मुझे मुंबई में खुद का रूम चाहिए। अच्छा, उनको आपने ऐसा बोला? जी, मुझे कहीं पर भी हो। आपने उनको परेशान कर दिया जी था? बहुत परेशान कर कहीं पर भी हो मुझे फ्लैट चाहिए, ऐसा नहीं कहीं पर भी, मुझे अपना खुद का घर चाहिए। तो उन्होंने फिर बाद में हमारे वीडियोस कितने टाइम से देखे, कितना टाइम देखे आपने? तो बहुत सारे वीडियोस देखे, रात को देखे थे हमने। अच्छा, आपका जो प्रोफाइल में था सब कुछ रात को देखे और सुबह चले। तो क्यों ऐसा हमारे पास ही क्यों आ गए वो सर, इतने सारे वीडियोस, बहुत सारे सर्च कर रहे हैं? जो टेक्निक है मतलब आपको पूरा टोटल सब कुछ बहुत पसंद आया सिस्टम में? जी बहुत, सिस्टम सब बहुत पसंद है, बहुत जगह पे विजिट भी करे हैं। हाँ। मैं खुद जा चुकी, 3 महीने तो मुझे लेके मतलब भागे हैं इधर उधर हर कहाँ देखने गए थे।
कल्याण और मुझे इतना जगह मालूम नहीं है कल्याण के साथ आप जाते थे। हाँ, और भी बहुत से इधर का वो भिवंडी ये सब नाम अच्छा उतना याद भी नहीं है, बहुत जगह पे घूमी हूँ। हाँ। बस मुझे लास्ट पसंद यही आया, ये एरिया पसंद आया, पसंद आया। तो आप आपके बजट के हिसाब में भी था, कितने रुपए का रूम लिया आपने? ये साढ़े सात लाख रुपए आपने पूरा दे दिए? जी नहीं नहीं पूरा नहीं दिया है, 2 लाख दिया है जैसा आपका मतलब सिस्टम के हिसाब से 2 लाख से मुझे पूरा पोजीशन ये देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, इनके साथ कोई जबरदस्ती भी नहीं किया कि 2 लाख दो आपसे मांगे, नहीं 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 आपने अपनी मर्जी से दिया और उसके बाद में ये घर बना करके ये पूरा ये कलर टाइल्स सब किसने चॉइस किया? मतलब मैंने और मेरे बेटे ने, हम दोनों ने मिलके चॉइस किया। इसने? जी। तुमने चॉइस किया है? अरे वाह। हम दोनों ने मिलके चॉइस किया पूरा। क्या नाम है आपका? शहजाद मलिक। शहजाद मलिक, देखो इतनी सी उम्र, मतलब आपका ये खुद का घर है बेटा? नहीं हाँ, हमारा है। घर किसका है? बहुत शर्मिला है, चलो कोई नहीं। तो जैसे आप देख रहे हो दोस्तों, ये रूम इन्होंने हमारे को यूट्यूब पे देख के लिया, और ऐसा सोच लीजिए 5 महीने से भटक रहे थे और अचानक से हमारे वीडियोस किसी ने भेजा था या डायरेक्ट मिल गया? नहीं नहीं, ऐसे ही मतलब यूट्यूब में हम लोग सर्च कर रहे थे, फेसबुक में सर्च करते रहते, आपका आया, मिल गया जी। अगर यही चीज 5 महीने पहले और 5 महीने पहले मिली होती तो और पहले आ जाते, और पहले आ जाते जी जी। तो बस यही कहना है मेरा कि जैसे इनको लेट वीडियो मिला, तो ऐसे कितने लोग होंगे जो वीडियोस को लेट अभी तक देख नहीं पा रहे जी जी। तो उसके लिए क्या करना चाहिए जो देख नहीं पा रहे? देखना चाहिए, और मतलब जो लोग इधर आए हैं, मैं तो उन लोगों को भी बोलती हूँ, अपने रिश्तेदार को जैसे जो इतने भाड़े में हैं उन लोगों को बोलो चाहे, ताकि वो लोग यहाँ पर आए। अपना खुद का भाड़ा भरने से क्या अपना होता है? बराबर है, साल भर का कितना पैसा जाता है, लेकिन मैं वही भाड़ा यहाँ पर भरूंगी, मेरा आ जाएगा। अगर 5,000 रुपए भी अगर समझ लेंगे 6,000 रुपए, तो 72,000 रुपए हमारे रेंट चला जाता है, तो वो मेरा 5 साल बाद मेरा खुद का हो जाएगा। खुद का हो जाएगा। अभी ये जो महीने का EMI है, अगर कंटिन्यू क्या करते हैं साहबुद्दीन भाई? ज्वेलरी का काम करते हैं। ज्वेलरी का काम करते हैं, तो जैसे आप देख रहे हैं डायमंड सेटिंग जो होता है। हाँ, समझा मैं, रिंग में या फिर नेकलेस में। जी जी। तो ये बड़ी मेहनत करते हैं, और मैं बता दूं ये इस वक्त की सिचुएशन में हमारे पास एक ही दिन में आए वीडियो देखने का, नहीं रात भर वीडियो देखे, सैटरडे फुल नाइट हमने वीडियो देखा, पूरा रात भर देखे। हाँ। सोए नहीं थे? नहीं, फुल नाइट। और मैंने मतलब तुम सो के तो संडे पूरा वेस्ट हो जाएगा, उठो चाय पियो जाओ, जल्दी जाओ। अच्छा, आपने अकेले भेज दिया? नहीं, मेरे भाई के साथ भेजा, मैं नहीं आई थी, मैं तुम मुझे घुमाते हो, मैं थक जाती हूँ, तुम जाके देख के आओ। अच्छा, फिर मैं आऊंगी। ऐसा प्रेशर होना चाहिए वाइफों का, ऐसा प्रेशर होना चाहिए तब जाके घर बनता है। अभी कितनी मेहनत से इन्होंने अपना घर बना के लिया। क्या आप अपने घर में अभी तक रेंट पे रह रहे हो या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हो? हमारे पास काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी है जो आप महीने की EMI में ऐसा घर परचेस कर सकते हैं। महीने की EMI लेते लेते आपको जो है ऐसा घर मिल जाता है, 100 महीने 8 साल 4 महीने का टाइम मिलता है। इनको अच्छी खासी फैसिलिटी, कोई प्रेशर है आपके ऊपर पैसा देना लेने की? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई टेंशन नहीं। मैंने प्रेशर डाला है आप लोगों को, मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे वही 4 दीवारों में बंद रहने से, मुझे अभी मिल जाएगा, मैं अभी चली जाऊंगी। वाकई में इनका घर बना है, और मेरा घर बनते साथ ही चाबी इनके पास जाना था और इनका यहाँ पे आना था। ना जाने कितनी स्पीड में इन्होंने घर खाली किया, मैं नहीं जानता, लेकिन बहुत तेजी से यहाँ पे आए रहने के लिए। साहबुद्दीन भाई, आपको ये वीडियो देख करके बड़ा शौक हो रहा होगा कि आपकी वाइफ ने वीडियो बनाया, लेकिन इनकी ख्वाहिश जो है आपने पूरी किया। और ऐसी हस्बैंड, हर हस्बैंड जो है अपनी वाइफ की ख्वाहिश पूरी करें, कोई कोई जो है अपनी वाइफ जो है हस्बैंड की ख्वाहिश पूरी करने के लिए ये काम करती है, क्योंकि बहुत सारे लोग चोरी चुपके से हमारे पास पैसा भरते हैं, हस्बैंड को पता भी नहीं है, और वो हर महीने की EMI भर रहे हैं, पैसा बचा बचा के उनको घर लेना है। क्योंकि कभी कभी होता है ना कि पैसा बचा बचा के कुछ घर बन जाता है, या फैमिली झगड़े में आ जाते हैं कि क्यों आपने उधर पैसा भरा, ये हो जाए। तो वो लेडीज़ भी कभी कभी हमारे पास जो है ऐसे ही पैसा भरते हैं हस्बैंड को सरप्राइज़ देने के लिए। आज बहुत सारे लोगों का ऐसा ही घर हो चुका है। तो जैसा ये है कि इन्होंने हस्बैंड को प्रेशर किया, वैसा आप भी कीजिए। बोलो जी, सब लोग मैं जैसे कर रही हूँ वैसे करिए, सबका अपना बोल रहा खुद का होगा, जो औरतों को जी जी जो औरतों को बोलो जी, जो सोच रहे हैं आप लोग लेने के लिए, आप भाई के ऊपर बिल्कुल आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। मैंने पूरा आंख बंद करके विश्वास करी थी उनके ऊपर, और प्रेशर भी बहुत डाला है, जो जल्दी बन जाए तो मैं जल्दी आ जाऊंगी। प्रेशर मत डालिए, क्योंकि वो प्रेशर कुकर से कुछ नहीं होने वाला। इनका डाउन पेमेंट आया जिस तरीके से, उसी तरीके से इनका रूम मिला है। जी जी। अच्छा, कितना तेजी से काम चालू आपने देखा? नहीं, बहुत तेजी से, बहुत तेजी से काम चालू है। तो आप अपना इंतजार मत कीजिए, मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, और वीडियोस को देखते रहिए। कितने साल रेंट पे रहे आप? 7 साल। 7 साल घर के अंदर सामान है, ताला चाबी देने की जरूरत नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं। ऐसी खुशी, मैं पहले ही आ गई हूँ, पहले ही आ गए हैं, ताला चाबी की जरूरत नहीं है, इतनी खुशी है।
तो दोस्तों आप भी अगर ये घर आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि दूसरों तक ये वीडियो पहुंच जाए। एक आप भी एक कमिटमेंट कीजिए ताकि किसी का घर बना सकूं, मतलब आपको एक रुपया देना नहीं है, वीडियोस पहुंचा देना है, वो वीडियो देखने के बाद में अपना घर खुद बना लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।